तो हेलो एंड दोस्तों, स्वागत है आपका एमजे गुजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है आपके फोन के रिगार्डिंग है। दोस्तों यदि आपका फोन कभी भी खो जाता है, या फिर आप कहीं पर रखकर उसको भूल जाते हो, या फिर मान लीजिए आपका फोन चोरी हो जाता है, तो आप किन स्टेप से अपने फोन को जो है वापस पा सकते हैं, आपको कौन से स्टेप है जो फॉलो करने चाहिए जो जिससे आपका जो फोन है आपको वापस मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें सभी अलग अलग केस हैं कि यदि आपका फोन आप कहीं पर रखकर भूल जाते हो और मान लो आप सोच रहे हो कि कहीं चोरी ना हो गया हो, तो ऐसे में आपको ये जरूरी नहीं कि आप कहीं पर FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि उससे पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि अपने फोन को ढूंढने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों यदि आप अपने खुद के लेवल पर यदि आप अपने फोन को ट्रेस करने की सोच रहे हो, तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस होनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपना फोन जो है ट्रेस कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है और उसमें आपने ईमेल आईडी लॉगिन की हुई है, तो दोस्तों यदि आपका फोन आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले किसी दूसरे फोन में जाकर अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना चाहिए और वहां से आप अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ कंडीशंस में है, केवल यदि आपका फोन में इंटरनेट ऑन है या फिर वो ऑनलाइन है और उसमें आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है, तो तभी आप ये काम कर सकते हो, वरना आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल ईमेल आईडी के थ्रू ही अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब काम अपने एंड्रॉइड फोन से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास PC या लैपटॉप है तो उसे भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मेरे फोन की स्क्रीन पर चलना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है फाइंड डिवाइस। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में सिंपली मिल जाएगी, जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने फोन को कैसे ट्रैक कर सकते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने इस एप्लीकेशन को जो ओपन कर लेना है, और ओपन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप अपने मोबाइल को जो है ट्रेस करना चाहते हैं, तो उस मोबाइल में जो ईमेल आईडी आपने लॉगिन की हुई थी, वो ईमेल आईडी आपको इसमें लॉगिन कर लेनी है। यदि आपका फोन ऑनलाइन है और कहीं आसपास अगर यदि आप रखकर भूल गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि आपका फोन चोरी हो गया और उसे बंदे ने उसको स्विच ऑफ कर लिया है, तो उसके लिए एक अलग स्टेप आपको फॉलो करनी होगी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और यहाँ से देखिए आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन की हुई थी, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद नीचे देखिए कंटिन्यू एस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड जो यहाँ पर फिल करना है, तो मैं इस जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो पासवर्ड फिल करने के बाद आपको नीचे सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी इसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद देखिए सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो मैप है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से देखिए नीचे आपको अपने फ़ोन का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। जितने भी फ़ोन में ये ईमेल आईडी लॉगिन है, वो सारे फ़ोन यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यदि आपका फ़ोन आप जिस फ़ोन को ट्रेस करना चाहते हो, तो उस फ़ोन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये ईमेल आईडी केवल इसी एक फ़ोन में भी लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही फ़ोन शो हो रहा है। तो आपको अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका फ़ोन ऑनलाइन है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके फ़ोन की जो है लोकेशन यहाँ पर दिखा देगा, तो आप उसको सिंपली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपका फ़ोन फिर भी नहीं मिल रहा है, साइलेंट मोड पर है, तो आप यहाँ से प्ले साउंड पर क्लिक करके उस पर रिंग भेज सकते हो, तो आपका फ़ोन जो है रिंग करने लगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फ़ोन जहाँ का भी होगा वो रिंग करने लगेगा। ठीक है, तभी फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो इसको आप स्टॉप साउंड कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए सेकंड यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सिक्योर डिवाइस का। तो यदि आपका फ़ोन मान लो आपको नहीं मिल रहा है काफ़ी ढूंढने के बाद, तो अगर यदि आपके फ़ोन में इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आप चाहते हो कि उसको कोई और ओपन नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करके अपने फ़ोन में पासवर्ड डाल सकते हो, जिससे वो अगला बंदा उसको लॉक नहीं खोल पाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, बहुत ज़माना बदल गया है, लोग बाग क्या करते हैं कि कंप्यूटर पर जाकर लॉक हटवा लेते हैं और वहाँ से सारा डाटा जो है डिलीट करवा लेते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं होता पुराने डाटे से, इसलिए वो अपने फ़ोन को फ्रेश कर लेते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने फ़ोन को ये चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो कोई और देख ना पाए, तो उसके लिए तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है इरेज डिवाइस का। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन का सारा डाटा जो है डिलीट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर इससे जो है आपका फ़ोन का जो फ़ोन स्टोरेज में या फिर मेमोरी कार्ड में जो डाटा होगा वही डिलीट होगा। ईमेल आईडी में आपको जो भी डाटा पड़ा होगा, जैसे ड्राइव में फोटोज में, वो डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन, इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को जो है ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप मैप में जो है आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा। यदि GPS ऑन है तो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा, यदि ऑन नहीं तो लगभग अप्रॉक्स राइट लोकेशन आसपास वो दिखाई देता है फिर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को जो है ट्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई बंदे ने जो भी आपका फ़ोन लेकर गया है, उसने आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, और आप उसको ना ट्रेस कर पा रहे हो, ना कॉल कर पा रहे हो, आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा,
तो ऐसे में आप एक काम और कर सकते हो कि आप उस बंदे की लास्ट लोकेशन को जो है देख सकते हो कि जब फ़ोन ऑन था तो उस लास्ट टाइम पर वो कौन सी लोकेशन पे था और कितने टाइम पर वो जो है बंद हुआ था, तो वो भी आप ट्रेंड यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे गूगल क्रोम ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल डैशबोर्ड, और सर्च करके यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको गूगल डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन होगा तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ ऊपर से आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी ईमेल आईडी फ़ोन में लॉगिन थी, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और आप देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट करके नीचे आना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपके फ़ोन की जो ईमेल आईडी कौन कौन से एप्लीकेशन में लॉगिन थी और कहाँ कहाँ आपने उसको यूज़ किया हुआ, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे आकर यहाँ पर आपको देखिए तीन ऑप्शन मिलेंगे, लोकेशन हिस्ट्री का, ठीक है। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी में जो लोकेशन को जो है पॉज कर रखा है, मैंने चालू नहीं कर रखा। तो यदि आपके ईमेल आईडी यहाँ से आपकी सेटिंग में जाकर यदि आपने ऑन कर रखी है लोकेशन हिस्ट्री को, तो आपकी लोकेशन यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लोकेशन दिखा देगा। तो दोस्तों आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ होने से पहले कहाँ पर उसकी लोकेशन थी, तो वो लोकेशन यहाँ पर दिखा देगा, तो जिससे आप उस लास्ट लोकेशन पर जाकर उसके आसपास आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स थी जिनको यदि आप फॉलो करके यदि आपका फ़ोन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, यदि आपका फ़ोन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों हम अपने यदि लेवल पर अपने फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमको कुछ लिमिटेशन है, हमको ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है जिससे हम फाइनली क्लियर आप अपने फ़ोन को लोकेशन को ट्रेस कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों ये अथॉरिटी हमको नहीं, ये किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में ही हो सकती है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि यदि आपका फ़ोन इतने करने पर भी आपको नहीं मिलता है, तो तीसरा आपको एक स्टेप आपको कौन सा उठाना चाहिए, तो दोस्तों सीधे आप अपने आसपास के किसी थाने में जाइए, FIR रजिस्टर कर दीजिए। यदि आपके फ़ोन में कोई भी बंदा आपकी सिम को हटाकर कोई दूसरी सिम लगाकर उसको यूज़ करता है, उसको ऑन करता है, तो उसका नोटिफिकेशन पुलिस को मिल जाएगा और वो वहाँ पर जाकर आपके फ़ोन को ढूंढ सकती है। लेकिन दोस्तों आजकल लगभग केसेस में आप फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल पुलिस भी जो इतनी गहराई से काम नहीं करती है, तो वो भी ध्यान नहीं देती है। यदि ध्यान देते हैं तो आपका फ़ोन मिल जाता है, बढ़िया बात है। और यदि वो नहीं करते हैं इस काम को ढंग से, तो आपका फ़ोन ना के बराबर मिलना है, तो आपका फ़ोन बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि दोस्तों वो IMEI नंबर से जो है ट्रेस करते हैं। यदि आपके पास IMEI नंबर नहीं है तो उसको आप कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मेथड मिल जाएगा। यदि आपको इसमें मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अगले वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने फ़ोन को जो है खुद के लेवल पर से ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। यदि आपका खुद के लेवल पर आप फ़ोन को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो इसके लिए आपको अगला कदम उठाना चाहिए। लेकिन अच्छा ही है यदि आप खुद पर यदि आप ट्राई कर रहे हो, तो उससे अगर आपका फ़ोन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके मुझे बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा और आपके लिए नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।